कॉटिना डी एम्पोज़ा। वैसे इटली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से इस बात की। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री असम के जोरहाट पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने जो लचित बरफुकन जोरहाट ग्राउंड है वहां पर विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लचित बरफुकन की प्रतिमा के अनावरण से पहले यहां जो पूजा अर्चना है उसमें हिस्सा लिया है। तो आज का ये कार्यक्रम बेहद अहम है, जहां प्रधानमंत्री के असम के जोरहाट पहुंचने के बाद जो ये विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लचित बरफुकन है उनकी प्रतिमा के अनावरण से पहले प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम एक बार आपको बताएं कि आखिरकार लचित बरफुकन जो हैं वो इतिहास के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं, एक गुमनाम नायक के रूप में किस तरह से अब उन्हें पहचान दिलाने के लिए 2022 का जो साल था वो लचित बरफुकन को समर्पित किया गया था। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि लचित बरफुकन जो हैं उनका जीवन राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीने के लिए प्रेरणा देता है, और साथ ही लचित बरफुकन का जीवन सिखाता है कि किस तरह से भाई भतीजावाद के और वंशवाद के दंश से बचकर देश को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं, और किस तरह से मुगल साम्राज्य के खिलाफ ये अहोम साम्राज्य का जो नायक है लचित बरफुकन वो किस तरह से प्रेरणा स्रोत रहा है। भारतीय जब हम बात करते हैं संस्कृति की, इसका जिक्र प्रधानमंत्री कई मौक़ों पर कर चुके हैं। ये तस्वीरें जोरहाट असम से आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना की गई है, और ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है ये अपने आप में बेहद अहम है, जिस तरह कई विकास की परियोजनाओं को पूर्वोत्तर को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री का निरंतर ये प्रयास रहा कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए, और इसी के अनुरूप हमने देखा था कि देश 2022 को लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में मना चुका है। साफ तौर पर जिस तरह से असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल रहे लचित बरफुकन, जिन्होंने मुगलों से लोहा लेकर उन्हें नाकों चने चबवाए और औरंगजेब के अधीन मुगलों को लगातार जो उनकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं थी भारत के खिलाफ भारतीय संस्कृति के खिलाफ उन्हें रोका, सफलतापूर्वक रोका। बरफुकन ने 1671 की लड़ी गई सरायघाट की लड़ाई में जो असमिया तमाम सैनिक हैं जो कहीं ना कहीं ऊर्जा उनमें भरी, उन्हें प्रेरित किया और उनमें लड़ने का वो मादा भरा कि मुगलों की करारी और एक अपमानजनक हार हुई, जिस तरह से वो भारत के खिलाफ लगातार एक विस्तारीकरण की योजना के साथ भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे थे। लचित बरफुकन और उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक जो सैन्य कारनामे हैं। ऐसे बहुत से सेनानी रहे हैं जिन्होंने भारत की जो हम मान सकते हैं संस्कृति, भारत के तमाम गौरव को बचाने की कोशिश की है, और उन्हीं में बहुत अहम रोल लचित बरफुकन का भी है। वहीं लचित बरफुकन उन बहादुर लोगों में रहे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के जो अत्याचारी शासक हैं उनके चंगुल से कई लोगों को आज़ाद करवाया। साथ ही सरायघाट में जो रोल जो ये लड़ाई लड़ी गई, वीरता से परिपूर्ण अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया गया लचित बरफुकन द्वारा। उन्होंने ये सिखाया, ये दिखाया, ये दृष्टव्य किया कि वीरता का कार्य न केवल मातृभूमि के प्रति अद्वितीय प्रेम का उदाहरण है बल्कि उनमें पूरे असम क्षेत्र को एकजुट करने की शक्ति थी। जिस प्रतिबद्धता और जिस दूरदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, उसका उदाहरण हम बहुत पहले ही जो लचित बरफुकन हैं उनके व्यक्तित्व में देखते हैं कि किस तरह से असम क्षेत्र को एकजुट करके उन्होंने मुगल शासकों को खदेड़ा, और कैसे आवश्यकता पड़ने पर हर नागरिक
हर नागरिक जो भारत देश का वासी है, भारतवासी है, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर है। जोरहाट असम की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री ने अभी तर्पण किया है, आप देख सकते हैं। और ये असम का 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का। आज सुबह हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी पर सवारी कर देश से आह्वान किया कि आप यहाँ आएं। उसके बाद हमने देखा कि ईटानगर में कई ऐसी योजनाएं थी जो राष्ट्र और लोकहित से जुड़ी, जिन्हें समर्पित किया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें विकसित पूर्वोत्तर होना बेहद ज़रूरी है। कैसे अष्टलक्ष्मी का उन्होंने जिक्र किया, साउथ और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हुए जो अष्टलक्ष्मी है, कैसे ट्रेड को एक इंक्लूसिव अप्रोच दी गई, जो संबोधन हमने सुना था प्रधानमंत्री का। और अब प्रधानमंत्री जोरहाट में इस वक्त मौजूद है जहां प्रधानमंत्री ने तर्पण किया है। और आज अभी कुछ देर में जब लचित बोरफुकन, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध जनरल जिन्होंने मुगल शासकों को धूल चटाई, एक किस तरह से 2022 का जो साल था वो उनकी 400वीं जयंती को समर्पित किया गया, ये एक कवायद है, ये एक कोशिश है कि वो उमनाम नायक जिन्होंने भारत में कई ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए जो देश की आज़ादी से जुड़े थे, जो लोगों को इकट्ठा करने से जुड़े थे, खास तौर पर किस तरह से मुगल साम्राज्य को खदेड़ने का काम किया गया लचित बोरफुकन द्वारा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री हमेशा से उनकी ये कोशिश रहती है कि कैसे राष्ट्र प्रथम का जो मंत्र है वो देने वाले तमाम उन लोगों को याद किया जाए जिनमें लचित बोरफुकन का नाम अग्रणी है, और उनका जीवन कैसे भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश को सर्वोच्च आगे रख, यानी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर ही देश का सर्वांगीण विकास होता है, और कैसे आत्मनिर्भरता के पथ पर हम अग्रसर होते हैं, ये दर्शाता है। हमेशा से प्रधानमंत्री का मानना है कि इसी तरह के लोगों ने राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। और ये वो पल जब लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि और शौर्य की प्रतिमूर्ति वो रहे, अब उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। आज का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम 2 दिवसीय दौरा, जिसका दूसरा दिन प्रधानमंत्री ने अभी यहाँ पर तर्पण करने के साथ साथ लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया, और साथ ही कैसे लचित बोरफुकन ने ये दिखाया कि कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट करने से ही भारतीय जीवन की अमर रोशनी शाश्वत रहती है, इसका भी
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध जनरल लचित बोरफुकन की जो शिलापट है पहले उसका अनावरण किया और फिर उनकी इस प्रतिमा का भी अनावरण किया है। लचित बोरफुकन ने जिस तरह से दिखाया कि लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और जिस तरह से लचित बोरफुकन ने ये सिखाया कि अपनी बहादुर अपनी जो अंदर की शक्ति है उस बहादुरी के साथ हम कट्टरता और आतंकी ताकतों को नष्ट कर सकते हैं, कैसे मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और उन्हें उनके दांत खट्टे करने का जो जज्बा अहोम जनरल शासक की अगर बात की लचित बोरफुकन में था, ये अपने आप में कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है और कैसे उनका जीवन लचित बोरफुकन का जीवन कैसे सिखाता है कि भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश सर्वोच्च होना चाहिए। और इसीलिए लचित बोरफुकन ने जब असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जब वो प्रसिद्ध जनरल थे उन्होंने कैसे मुगलों को हराकर खास तौर पर उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोकते हुए सफलतापूर्वक उन्होंने ये वहाँ का जो समाज था उसे एकजुट करने की जो भूमिका निभाई उसी के लिए उसी के अनुरूप देश ने 2022 की अगर बात की जाए तो लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में उसे समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री का हमेशा से निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए और आज ही वो दिन है जिस तरह से जोरहाट असम में लचित बोरफुकन की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। लचित बोरफुकन उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक सैन्य कारनामों में से एक है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आइए आपको सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसमें और यहां पर हम देख सकते हैं कि जोरहाट असम में प्रधानमंत्री का ये ईटानगर का ये रोड शो है जहां जो आप देख सकते हैं हमेशा की तरह जनता प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहां मौजूद है और प्रधानमंत्री भी उनके इस प्यार से हमेशा अभिभूत नज़र आते हैं। ईटानगर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और यहां पर उन्होंने रोड शो किया, आप देख सकते हैं ईटानगर की महिलाएं ईटानगर की जो महिलाएं हैं वो कितनी उत्साहित नज़र आ रही हैं। हमने सुबह अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि वहाँ पर जो जनता है वो प्रधानमंत्री के आने से बेहद उत्सुक है और यहाँ पर हम हर वर्ग के उस व्यक्ति को देख सकते हैं। महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, युवा यहाँ हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो भारतीय तिरंगा अपने हाथों में लिए प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं। और इस तरह के दृश्य हम तमाम जो कभी रोड शो प्रधानमंत्री जब भी करते हैं हम देखते हैं कि स्कूली बच्चे आप देखिए कि यहाँ पर पुरुष मौजूद हैं और पारंपरिक अपने जो परिधान हैं उसमें यहाँ की महिलाएं मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और ये स्वागत ये विश्वास जताता है जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एक प्रधान सेवक के रूप में लोगों को समर्पित हैं और लोग भी उसी आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उनके अभिवादन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और प्रधानमंत्री उनका ये प्यार उनका ये जज्बा उनके ये भाव उनके साथ आत्मसात करते हैं। यहाँ इस रोड शो में आप देखिए एक झलक पाने के लिए सभी यहाँ मौजूद हैं और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान है जो प्यार है जो भाव है वो कितने अमूल्य हैं। प्रधानमंत्री ने ईटानगर में जो ये भव्य रोड शो किया है उसकी तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये दौरा बेहद अहम है, जिस तरह से कई ऐसी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया आपसे कुछ देर पहले जो कि लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़ी हुई हैं। इस रोड शो के जरिए हमेशा से ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री के आने पर जो खुशी है जो उत्साह है वो कभी कम नहीं होता बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जब भी किसी भी राज्य का दौरा करते हैं और जब भी रोड शो होता है वहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है और ये जो भाव प्यार का है सेवा का है समर्पण का है वो दोनों तरफ है। प्रधानमंत्री भी उनके इस प्यार को हाथों हाथ लेते हैं आत्मसात करते हैं और बड़ी आत्मीयता के साथ उनके हर अभिवादन का जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं
ईटानगर की आसम के कहे महिलाओं को, जो महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है इस रोड शो के ज़रिए। हाथों में तिरंगा है, ये तिरंगा उस राष्ट्रीयता का और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है जिससे ओतप्रोत हर भारतीय है। और पूर्वोत्तर जिसे कभी भारत से कटा हुआ माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता 2014 से ये रही कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी रही है प्रधानमंत्री की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी किया। उन्होंने कहा कि कैसे जब भी हम विकसित भारत की बात करेंगे तो विकसित पूर्वोत्तर के बिना ये अधूरा है। और यहाँ के लोग जितना प्यार करते हैं, जितने ऊष्मता से भरे हैं, आज जब काजीरंगा का दौरा प्रधानमंत्री ने किया तो उससे मुतल्लिक जो ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आप असम आइए, यहाँ के लोगों से मिलिए, तो आपको लगेगा एक आत्मीय भाव कहीं ना कहीं पैदा होता है, जिस आत्मीयता का उन्होंने जिक्र किया। और पूर्वोत्तर में कैसे तमाम पर्यटन योजनाओं की हम बात करते हैं, हम तमाम विकास से जुड़ी योजनाओं की बात करते हैं, कैसे यहाँ अब तस्वीर बदली है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने भी उस स्वागत को हाथों हाथ लेकर, हाथ हिलाकर वो भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह के रोड शो में ये जो लोग पहुंचते हैं उनकी खुशी देखते ये बनती है कि उनके बीच प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जो हमेशा से लोगों के अनुभव सुनते हैं, उनकी मन की बात को समझते हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हैं और सीख लेते हुए कैसे एक दूसरे के प्रति आत्मीयता को बढ़ावा दिया जाए, ये भी प्रधानमंत्री हमेशा अपने कई दौरों से, कई मंचों से ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं। और तमाम महिलाओं का यहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री का स्वागत करना, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास तो आधी आबादी यानी महिलाओं के बिना पूर्ण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की जो शक्ति है वो आदि शक्ति है और इस शक्ति से भारत आर्थिक प्रगति का अध्याय लगातार लिखता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो आधी आबादी है वो किस तरह से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है, हाथों में तिरंगा है। और ये भाव हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान और जिस तरह से महिलाएं अपनी बात दिल खोलकर विश्वास के साथ उनके साथ करती है, ये दर्शाता है कि आप प्रधान सेवक के रूप में जब भी आते हैं तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री का जो स्वागत किया गया ये भी दर्शा रहा है कि राज्य कैसे आर्थिक अध्याय से जुड़ी, आर्थिक प्रगति से जुड़ी एक नई तस्वीर बना रहा है, जिसने पूर्वोत्तर की तकदीर और तदबीर को बदलकर एक नई तस्वीर पेश की है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले कल का भविष्य हैं, जो नवोन्मेष से जुड़े हैं, कोई इनमें से एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। और ख़ास तौर पर जब आप किसी तरह इस राज्य के दौरे पर जाते हैं, वहाँ पर आपको लोग पारंपरिक वेशभूषा में मिलते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की आप देखिए कितनी अनूठी और सशक्त पहचान यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये वो भाव हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन इनकी आंखों में आप वो विश्वास देखिए, वो प्यार देखिए। और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री जब भी एक कनेक्ट को स्थापित करते हैं, कहीं की भी जो जनजनता हो, उस कनेक्ट को स्थापित करने का जो उनके व्यक्तित्व में एक ये अलग सा कनेक्ट है जिससे लोग जुड़ते हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और संस्कृति के अनूठे रंगों से तो अगर हम बात करें पूर्वोत्तर की, वो अटा पड़ा है और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया कि यहाँ के लोग कितने आत्मीय हैं और सुंदरता प्रचुर मात्रा में यहाँ पर है, प्राकृतिक सौंदर्य प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ के लोगों के चेहरों पर ये जो भावपूर्ण मुस्कान है, देखिए स्कूली बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, और ये वही लोग हैं, अरे यही लोग मिलकर ही भारत बनाते हैं, जिस भारत का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि ये मेरा भारत है, ये मेरा वो परिवार है। पूरे परिवार को अब वो साथ लेकर चलते हैं और ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ खड़ा होकर यही दर्शा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के साथ है। और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करना, दिल खोलकर
ये दर्शाता है कि जब प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से कहा कि पूरा भारत मेरा परिवार है, ये इस बात की तस्दीक करता है। और पूर्वोत्तर की अगर बात की जाए तो जिन तमाम योजनाओं को प्रधानमंत्री ने यहाँ समर्पित किया वो आर्थिक स्वरूप को आगे बढ़ाने से तो जुड़ी ही हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से आज सुबह काजीरंगा का प्रधानमंत्री ने दौरा किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे एक्स किया, उसे प्रमोट किया, आप देखिए वो ट्रेंड कर रहा है, तो कैसे पर्यटन के लिहाज से और किसी भी राज्य को ये समझाना और ये लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि उसमें कितनी क्षमता है पर्यटन के लिहाज से, आप देखिए आर्थिक अध्याय के लिहाज से देखिए, वो प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं जो उन्होंने सुबह किया कि किस तरह से भैया आप अगला विजिट जब कीजिएगा जो ख़ास तौर पर वन्य जीव वनस्पतियों से ओतप्रोत काजीरंगा पार्क है, आप यहाँ ज़रूर आइए। तो ईटानगर की जनता हाथों हाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई यहाँ नज़र आ रही है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि जोरहाट असम में लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वो लचित बोरफुकन जिससे मुगल साम्राज्य को कहीं ना कहीं नाको चने चबवाए, आपको ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और गुमनाम नायकों को याद करने की प्रधानमंत्री की हमेशा से कोशिश रही है और उनका ये मानना है कि कैसे राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अगर हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो लचित बोरफुकन का ये जीवन हमें प्रेरणा देगा, हमें प्रेरित करेगा। ख़ास तौर पर इस प्रतिमा का अनावरण जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली नस्ल है, जो वंश हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि वो ये समझ पाएँ कि ये वो गुमनाम नायक है जिन्हें इतिहास अगर कहीं भूल भी गया था तो प्रधानमंत्री ने उसे दृष्टव्य अपने कई ऐसी योजनाओं के जरिए याद करवाया। जैसे कि मैंने आपको लगातार बताया कि 2022 का जो साल था वो 400वीं जयंती थी लचित बोरफुकन की और उन्हें समर्पित किया गया था। संतों और ख़ासतौर पर इस तरह के नायकों का जो मार्गदर्शन है वो राष्ट्र के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा। क्यों? क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए जिस भाव की ज़रूरत है वो इन नायकों के जीवन में हमें मिलता है। लचित बोरफुकन वो जिन्होंने असम के लोगों को एकजुट किया। कहीं अगर सेल्फ डाउट भी था कि शायद हम इस लड़ाई में आगे जीतेंगे या नहीं, लचित बोरफुकन ने उनमें ऊर्जा का संचार किया जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर भी किया है। और कैसे बहादुरी, अदम्य साहस और शौर्य के साथ अगर आप उतरते हैं मैदान पर तो आप कुछ भी कर गुजरने का मादा रखते हैं, ये लचित बोरफुकन का जो एक व्यक्तित्व था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर भी किया है। और कैसे भाई भतीजावाद से अलग होकर वंशवाद के बजाय देश को सर्वोच्च रखना है ये भी हमने सिखाया। और ये प्रधानमंत्री ने आज के अपने संबोधन में भी कहा कि कैसे परिवारवाद से हटकर डटकर इसका मुकाबला करना है और हमें जिस तरह से आगे बढ़ते हुए देश को, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की भावना से ही ओतप्रोत थे लचित बोरफुकन। और जब भी जिम्मेदारी, इतिहास का बोध हमें समझने की कोशिश करता है कि कुछ दशकों तक इतिहास सीमित नहीं रहता, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, इसीलिए प्रधानमंत्री की एक कवायद जब आज जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। विकसित भारत की जब हम बात करते हैं उसमें पूर्वोत्तर को भारत के विकास का केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री की ये एक अहम कोशिश। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब लचित बोरफुकन से जुड़ी एक किताब का विमोचन किया था आज से 2 साल पहले तो उन्होंने कहा था कि बहादुरी, निडरता असम की पहचान है, क्योंकि लचित बोरफुकन वहाँ जिस तरह से उनकी कई ऐसी कहानियाँ हैं जो वहाँ पर आज भी लोगों को सुनाई जाती हैं, प्रासंगिक हैं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन से किया था। और उन्होंने कहा था कि कैसे सरायघाट में जो वो लड़ाई लड़ी गई जहाँ वीर लचित बोरफुकन द्वारा दिखाया गया कि वीरता का कार्य करना मातृभूमि के लिए आपके अद्वितीय प्रेम को दर्शाता है और इस अद्वितीय प्रेम को दर्शाने के लिए हर नागरिक जरूरत पड़ने पर एक सैनिक बन सकता है, इसी भाव के साथ लचित बोरफुकन ने वहां के लोगों में इस ऊर्जा का संचार किया था कि मान लीजिए आप नागरिक भी हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर कैसे आप देश के लिए खड़े हो सकते हैं। यही जो कथन है, यही जो भाव है, हमने प्रधानमंत्री की शब्दावली में कई बार देखे कि देश के लिए हर किसी को खड़ा होना
अगर पड़ जाए तो हर देशवासी में ये जज्बा होता है और प्रधानमंत्री हमेशा से इस जज्बे को सलाम करते हैं और अगर इस तरह के लोग हैं तो उनका सम्मान भी करते हैं जो हमने आज यहाँ देखा। तो असम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास जिस तरह से किया गया, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, हमने ये देखा कि यहाँ जो लोग थे, अभी रोड शो की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, प्रधानमंत्री के स्वागत में वहाँ लोग खड़े थे और लचित बोरफुकन की जो भव्य प्रतिमा है उसका अनावरण। आइए आपको सीधे ले चलते हैं, प्रधानमंत्री पहुँच गए तमाम अन्य योजनाओं को अब समर्पित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ ही अहोम के जनगण में लोकप्रिय एवं युवकों के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा जी, भारत सरकार के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलपथ तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री हरबानंद खोनवाल जी एवं मंच पर आसीन अन्य गण्यमान्य अतिथियों का भी हम उत्साह से स्वागत करते हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करने के लिए अनुरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को अहोम के पारंपरिक गामोसा एवं अहोम राजचिन्ह एक पंख वाले ड्रैगन की शेर जैसी आकृति है। साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी को अहोम के पारंपरिक खाम शैली में बनाई गई रामलला की पेंटिंग भी भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। লাখপতি বাইদেউসকলে অলপ ডাঙৰ কৰি কওক, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল, যুবক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু ভিডিঅ' লিংকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমৰ পৰাই আমাৰ লগত কানেক্ট হৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকল আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অসম ভ্ৰমণ আমাৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটা। 2014 চনৰ পিছত এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 16তম অসম ভ্ৰমণ, তেখেত 16 বাৰ আমাৰ অসম ভূমিলৈ আহিছে। মই পুনৰ এবাৰ লাচিত বৰফুকন, স্বৰ্গদেউ চুকাফা, বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰ দেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দৰ কথা যে ৰাতিপুৱা 5:30 বজাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যলৈকে গৈছে আৰু কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত
দুঘণ্টাতকৈ বেছি সময় কটাই তেখেতে অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে, সকলোৱে তেখেতৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি। কাজিৰঙাত 1957 চনৰ পিছত কাজিৰঙালৈ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা নাছিল। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল তেতিয়া সেইগৰাকীও প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহি কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ যোৱাৰ সময় পোৱা নাছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটি নিশা কাজিৰঙাত কটাই আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰিলে। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অলপ আগতে হোলোঙা পাৰত উপস্থিত হৈ অসমীয়াৰ সাহস, শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ 125 ফুটৰ এটা সুউচ্চ প্ৰতিমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰে। লাচিতৰ এই প্ৰতিমাই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক সদায়ে সাহস যোগাব, প্ৰেৰণা যোগাব আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু অসমক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাব তাক আমি আশা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 555,550 জন হিতাধিকাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ প্ৰদান কৰিব। 555,550 জন ব্যক্তিয়ে আজি বাসস্থানৰ সুবিধা লাভ কৰিব। দৰিদ্ৰ আৰু মুমূৰ্ষজনে এটা নিজৰ ঘৰত থাকিব পাব, ইয়াতকৈ আমাৰ আনন্দৰ কথা একো নাই। মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি এইখন মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু শিৱসাগৰত এখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ কেপাচিটি বৃদ্ধিৰ বাবে এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰিব। গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰকল্প বৃদ্ধিৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব। বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ বাবে 300 কোটি টকাৰ এক প্ৰকল্পৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব আৰু দ্বৈত ৰেলপথৰো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদেৰে অসমত আজি 2টা স্থানত দ্বৈত ৰেলপথ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। এসময়ত বাৰাউনীলৈকে তেল লৈ যোৱাৰ বাবে আমি নতুন দিল্লীক বেয়া পাইছিলোঁ। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব, বাৰাউনীৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ উভতাই তেল ঘূৰাই অনাৰ বাবে আজি এক বৃহৎ পাইপলাইনৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব। ই জাতিৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। আজিৰ দিনটোতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অসমবাসীক উপহাৰ দিব, এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক প্ৰেৰণা দিছে, আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক আনন্দিত কৰিছে। লাখপতি বাইদেউসকল ইয়াত আহিছে আৰু সকলো বাইদেউকে আমি লাখপতি বনাম, এই সংকল্পও আজিৰ সভাতে আমি একেলগে কৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ মই সকলোকে আহ্বান জনাম, ভাৰতৰ বিশ্বগুৰু আসনলৈ লৈ যোৱা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ নেতা, আমাৰ হিয়াৰামঠু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসনৰ পৰা থিয় হৈ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাওক। দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে, দীঘলীয়া হাত চাপৰি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম। ধন্যবাদ মহাশয়।
देवियों सज्जनों, आज हमारे राज्य के विकास के लिए एक गौरव का दिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 17,500 करोड़ के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर आभासी रूप से यह शुभ कार्य संपन्न करें। धन्यवाद महोदय। अब हम इन परियोजनाओं के बारे में एक लघु वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हर स्तर पर विकास, हर दिशा में विकास और एक खूबसूरत विकसित देश, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके मजबूत नेतृत्व में असम और पूर्वोत्तर भी विकास और प्रगति की सफल यात्रा में अग्रसर हैं। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। पूर्वोत्तर को अष्ट लक्ष्मी की संज्ञा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से कुल 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। देश के लाखों लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। केंद्र सरकार की प्रेरणा से राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज 5,55,555 घरों में गृह प्रवेश संभव हुआ है, जो कि एक दिन में संपूर्ण देश में होने वाले गृह प्रवेश की संख्या के क्षेत्र में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत 500 करोड़ की लागत से राज्य का 23वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऊपरी असम के हिबोहागोर में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत पूर्वोत्तर में पहली बार डॉक्टर बी बरुआ कैंसर संस्थान में 300 करोड़ की लागत से बाल चिकित्सा एवं वयस्क हिमेटोफॉइड केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर 615 करोड़ की लागत से बना तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी लोगों को समर्पित किया। 572 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे पुरानी कच्चे तेल पाइपलाइन के बरौनी बोंगाईगांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को बढ़ाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 51 करोड़ रुपए के निवेश से दुलियाजान से दिग्बोई रिफाइनरी तक कच्चे तेल की स्पर लाइन को बदलने की परियोजना पूरी की है। 277 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है इंडियन ऑयल गुवाहाटी टर्मिनल पेटकुची में सुविधाओं का विस्तार। उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड NEGG को राष्ट्रीय गैस ग्रिड NGG से जोड़कर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण ईंधन सुनिश्चित करने जा रही है बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। सन 1901 में स्थापित दिग्बोई रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी। भारत और इंडियन ऑयल की प्रथम सौगात गुवाहाटी रिफाइनरी की विस्तार परियोजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज NF रेलवे की 2 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं।
जिसमें न्यू बोंगाईगांव सरभोग सेक्शन और धूपधरा छायगांव सेक्शन के बीच नई दोहरीकृत लाइन शामिल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आगाज ने दिखा दी राह, उत्तर पूर्व ने बनाई एक नई पहचान, चहुमुखी विकास की ओर भर ली उड़ान। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया लखपति दीदी कॉफी टेबल बुक एवं अमृत सरोवर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनका अमूल्य उद्बोधन देने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। अपना लोग भाले या कुफलिया से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी सर्बानंद जी सोनोवाल जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के सभी मंत्रीगण, उपस्थित जनप्रतिनिधि साथी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका सर झुका करके नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि 200 स्थान पर लाखों लोग बैठे हुए हैं जो वीडियो के माध्यम से इस विकास उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कैसे गोलाघाट के लोगों ने हजारों दीप जलाए। असम के लोगों का ये स्नेह, ये अपनापन मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। मैं असम के सभी लोगों को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल होर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ
देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। साथ ही बर्ड वॉचर्स के लिए भी काजीरंगा किसी स्वर्ग की तरह है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान यहां के राइनो वो भी संकट में पड़ गए थे। 2013 में एक ही वर्ष में यहां 27 राइनोज का शिकार हुआ था, लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या जीरो हो गई है। 2024 काजीरंगा नेशनल पार्क का गोल्डन जुबली वर्ष भी है। मैं असम के लोगों को इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है। मैं काजीरंगा से जो यादें लेकर आया हूं ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली है। साथियों, आज मुझे वीर लसित बोरफुकन की विशाल और भव्य प्रतिमा का अनावरण का भी सौभाग्य मिला। लसित बोरफुकन असम के शौर्य, असम के पराक्रम के प्रतीक है। वर्ष 2022 में हमने दिल्ली में लसित बोरफुकन के 420 जन्म जयंती वर्ष के पूर्व पूरे उत्साह से मनाया था। मैं वीर योद्धा लसित बोरफुकन को फिर एक बार नमन करता हूं। साथियों, विरासत भी विकास भी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र रहा है। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन की सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। एम्स के निर्माण से यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। आज यहां तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। असम के पिछले दौर पर, जब मैं पिछले दौरे पर आया था, मैंने गुवाहाटी और करीमगंज में दो मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा। साथियों, आज पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बनी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। ये गैस पाइपलाइन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। इससे करीब 30 लाख परिवारों और 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 30 से ज्यादा जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, आज डिगबोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का भी शुभारंभ हुआ है। दशकों से
असम के लोगों की डिमांड थी कि असम की रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। यहां आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन पहले की सरकार ने यहां के लोगों की इस भावना पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीते 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने असम की चारों रिफाइनरीज की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। अब असम की रिफाइनरीज की कुल क्षमता दोगुनी हो जाएगी, डबल, और इसमें भी नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता तो तीन गुनी होने जा रही है, तीन गुनी। जब किसी क्षेत्र का विकास का मजबूत इरादा हो तो काम भी मजबूती से और तेज गति से होते हैं। साथियों, आज असम के मेरे 5.5 लाख परिवारों के लिए अपने पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है। आप सोचिए, एक राज्य में 5.5 लाख परिवार अपनी पसंद के, अपनी मालिकी के पक्के घर में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकारों के समय, उस समय जहां लोग एक एक घर के लिए तरसते थे, वहीं हमारी सरकार एक एक दिन में, आप देख रहे हैं, अकेले आसाम में 5.5 लाख गरीबों को दे रही है 5.5 लाख घर। और एक घर ऐसे ही चार दीवारें नहीं है, इन घरों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली, नल से जल, ये सारी सुविधा भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, एक साथ मिली है। असम में अब तक ऐसे 18 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है। और मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना के तहत दिए गए ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब घर की मालकिन ये मेरी माताएं बहनें बनी हैं। यानी इन घरों के लाखों महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना दिया है। साथियों, हमारा प्रयास है कि असम की हर महिला का जीवन आसान हो। इतना ही नहीं, उसकी बचत भी बढ़े, आर्थिक रूप से उसको बचत हो। अभी कल ही विश्व महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये और घटा दिए। हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए जो मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, उसकी बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं। जल जीवन मिशन के तहत असम में पिछले 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नए घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत, और अभी मुझे उसका कॉफी टेबल बुक रिलीज करने का मौका मिला, अमृत सरोवर अभियान के तहत यहां जो 3000 अमृत सरोवर बने हैं, उनका भी बहुत लाभ हो रहा है। भाजपा सरकार देश में 3 करोड़, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक बढ़िया बढ़िया टोपी पहन के बैठी है ना बहने,
3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ असम की भी लाखों महिलाओं को मिल रहा है। और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि असम में जो लखपति दीदी बन गई हैं, वो सारी लखपति दीदी यहां आई हुई है। एक बार जोरदार तालियों से इन लखपति दीदियों का सम्मान कीजिए। अगर सही दिशा में नीतियां हो और सामान्य मानवीय जुड़ जाए, कितना बड़ा परिवर्तन आप देखिए। गांव गांव पूरे देश में लखपति दीदी बनाने का अभियान, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2014 के बाद असम में कई ऐतिहासिक परिवर्तनों की नींव रखी गई। असम में भूमिहीन 2.5 लाख मूल निवासियों को जमीन के अधिकार दिए गए। आजादी के बाद 7 दशकों तक चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बैंकिंग सिस्टम से नहीं जोड़ा गया था। हमारी सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले ऐसे करीब 8 लाख वर्कर्स को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना शुरू किया। बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का मतलब है कि उन वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की मदद भी पहुंचने लगी है। जो लोग सरकार के आर्थिक लाभ पाने के पात्र थे, उनके हक का पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचने लगा। हमने बिचौलियों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। गरीब को पहली बार लगा है कि उनकी सुनने वाली कोई सरकार है और वो भाजपा सरकार है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है, इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर 2 ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगी बिल ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया। हमारी सरकार के दौरान ही बराक घाटी तक ब्रॉडगेज रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ। 2014 के बाद यहां विकास को गति देने वाले कई प्रोजेक्ट शुरू हुए। जोगी धोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 नए पुल बनाने को मंजूरी मिली। 2014 तक असम में सिर्फ 1 नेशनल वाटरवे था, आज उत्तर पूर्व में 18 नेशनल वाटरवेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास के नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा हुई। हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उन्नति योजना को नए स्वरूप में इसका और विस्तार करते हुए मंजूरी दी है। सरकार ने असम के जूट किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस वर्ष जूट के लिए MSP प्रति क्विंटल 285 रुपये बढ़ा दी है। अब जूट किसानों को प्रति क्विंटल 5,335 रुपये मिलेंगे। साथियों, मेरे इन प्रयासों के बीच
हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं, देश को गुमराह करने वाले क्या कर रहे हैं, मोदी को गाली देने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों ने आजकल कहना शुरू किया है कि मोदी का परिवार नहीं है। उनकी गाली के जवाब में पूरा देश खड़ा हो गया है, पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। ये है प्यार, ये है आशीर्वाद। देश का ये प्यार मोदी को इसलिए मिलता है क्योंकि मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ अपना परिवार ही नहीं माना बल्कि उनकी दिन रात सेवा भी कर रहा है। आज का ये आयोजन भी इसी का प्रतिबिंब है। मैं एक बार फिर आप सबको इतने बड़ी विशाल संख्या में आने के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, और इतने बड़ी मात्रा में विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जानी चाहिए आज। भारत माता की। ये लखपति दीदी की आवाज तो और तेज होनी चाहिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके उत्साहवर्धक आशीर्वचनों के लिए आपका कोटिशः धन्यवाद एवं आभार। ये सीधा प्रसारण आप